आपल्याला परत मिळवण्यासाठी आपल्याला नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रामध्ये सरकार स्थापन करायचंय. मी मुंडे साहेबांच्या मृत्यूनंतर घरात बसले नाही, कारण त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मी रस्त्यावर उतरले. मला 22 तास मी दिवसातले काम करते, एक वेळ जेवते, रस्त्याने मिळेल ते खाते, पळते, घाम गाळते, माती चिखलात जाते, पण लोकांच्या प्रेमामुळे माझ्यामध्ये ताकद येते. मला उभा करणारा कोणी मोठा माणूस नाही, मला उभा करणारे फाटके, दरिद्री, सामान्य, सामान्य, अतिसामान्य माणसं आहेत, कारण त्यांचं मन मोठ्या माणसापेक्षा कितीतरी मोठं आहे, आबाळ आहे, एवढं मोठं आहे. त्यांनी मला साथ दिली, आज त्यांनी मला साथ दिली, त्यांनी मला उभं केलं, ही संघर्ष यात्रा यशस्वी केली. मी त्यांचे शतशा शतशा आभार मानते आणि माझ्या टीमचे आभार मानते. सुजित सिंग ठाकूर, माझे सहप्रमुख प्रवीणजी घुगे, मनोज पांगरकरजी, माझ्याबरोबर काम करत असलेले सर्व, सतीश, पप्पू, दत्ता, सगळेच, आता मला ज्याचं नाव मला वेळ न जाईल म्हणून घेऊ नका म्हणतात, या लोकांनी निस्वार्थ भावनेने काम केलं म्हणूनच ही यात्रा यशस्वी झाली. निस्वार्थ लोकांची जेव्हा टीम तयार होते, निस्वार्थ लोक जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा त्यांच्या निस्वार्थ मनातून चांगलं घडतं, आणि मला या महाराष्ट्रात चांगलं घडताना दिसत आहे. हे चांगलं घडावं यासाठी मी योगदान दिलंय. माझं दुःख, माझ्या यादना, वेदना, माझ्या जबाबदाऱ्या, वैयक्तिक सगळं बाजूला ठेवलंय. मी तुमच्यासाठी रस्त्यावर आले, तुमच्या भविष्यासाठी. तुम्ही स्वतःसाठी काही करणार आहात का नाही हा माझा तुम्हाला सवाल आहे. तुम्ही जर माझ्या या युद्धामध्ये माझे शिलेदार होणार आहात, तुम्ही जर भारतीय जनता पार्टीचं कमळ या पूर्ण महाराष्ट्राच्या या चिखलामध्ये फुलवणार आहात, तर तुम्ही मला शब्द द्या, तुम्ही हात वर करा, हाताच्या मुठी वळा आणि मला शब्द द्या. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली मुंडे साहेबांच्या स्वप्नातला महाराष्ट्र घडवण्यासाठी कुठल्याही अफवा, कुठल्याही वाईट गोष्टींना बळी न पडता आपण माझ्या या संघर्ष यात्रेप्रमाणे येणाऱ्या या संघर्षाला यशस्वी करा. तुम्ही यशस्वी कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करते आणि माझ्या मी वाणीला विराम देते, पण एक माझी शपथ आहे तुम्हाला, अमितभाईंच्या भाषणात मध्ये घोषणा देऊन आगाऊपणा केला तर खाली बसा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भगवान, जय मल्हार, जय भवानी, जय शिवाजी. अहमदनगर इथे आताच पंकजा मुंडे यांचं हे भाषण झालेलं आहे. अतिशय तडफदार भाषण आता पंकजा मुंडे यांनी केले आणि महाराष्ट्राला साथ घातली आहे. भाजपला मत देण्यासाठी आज अमित शहांच्या उपस्थितीमध्ये या मेळाव्याचं आयोजन होतंय आणि या संघर्ष यात्रेची समाप्ती होती आणि त्यासाठी अमित शहा या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत. भाजपचे सगळेच दिग्गज नेते सुद्धा आहेत, यामध्ये देवेंद्र फडणवीस दिसत आहेत, विनोद तावडे आहेत. पंकजा मुंडे आत्ताच यांनी सगळ्या जनतेला आवाहन केलंय भाजपला मत देण्यासाठी आणि या महाराष्ट्राच्या चिखलात हे कमळ फुलवण्याचं. पाहूया देवेंद्र फडणवीस आता काय बोलतात. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या चरणी या ठिकाणी नतमस्तक होतो. मंचावर उपस्थित आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमितभाई शहा, ज्यांनी खऱ्या अर्थानं या संघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रामध्ये संघर्षाचा बिगुल फुकला आणि संघर्षाची मशाल पेटवली, ती माझी लहान बहीण पंकजा मुंडे पालवे. मंचावर उपस्थित आपले विरोधी पक्षनेते विनोदजी तावडे, केंद्रीय मंत्री रावसाहेबजी दानवे, दिलीपजी गांधी, महादेवजी जानकर, श्यामजी जाजू, आपले लाडके आमदार रामभाऊ शिंदे, सुजित सिंग ठाकूर, गोविंदजी केंद्रे, विजयाताई राटकर, स्मिताताई वाघ, राजेंद्रजी फडके, प्रवीणजी घुगे, शिवाजीराव कर्डिले, बबनरावजी पाचपुते, ज्यांनी नुकताच भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला आणि आमची ताकद वाढवली. या ठिकाणी उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, मला आठवतोय याच ठिकाणी 31 मे रोजी माननीय मुंडे साहेबांसमवेत भगवान गडावरनं मी आलो आणि त्या दिवशी मुंडे साहेबांनी याच ठिकाणी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचं स्मरण करून
सत्ता परिवर्तनाचा या ठिकाणी मंत्र दिला आणि शपथ घेतली होती आणि त्याच सोबत त्याच दिवशी माननीय मुंडे साहेबांनी आमच्या महादेव जानकरजींना आपला मानसपुत्र घोषित केलं होतं। बंधू भगिनींना त्या सभेनंतर ज्यावेळी या ठिकाणून मुंडे साहेबांसोबत आम्ही निघालो, मी आणि मुंडे साहेब हेलिकॉप्टर मधून पुण्याकडे निघालो, रस्त्यामध्ये मुंडे साहेब म्हणाले देवेंद्र सत्ता परिवर्तन करायचंय, माझ्या जीवनात मला खूप मिळालं, मला आता सत्ता परिवर्तन स्वतः करता करायचं नाही, मला सत्ता परिवर्तन करायचंय ते वंचितांकरता, शेवटच्या माणसाकरता, गरिबाकरता, शेतकऱ्याकरता। आता माझ्या जीवनाचं ध्येय या महाराष्ट्रातला शेवटचा माणूस हा सन्मानानं जगला पाहिजे, त्याकरताच आता सत्ता परिवर्तन करायचंय। काय दुर्दैव आहे बघा, ज्या माणसामध्ये सत्ता परिवर्तनाची धमक होती, ज्या माणसामध्ये सत्ता परिवर्तनाचं स्वप्न होतं आणि आपलं स्वप्न पूर्ण करून दाखवण्याची ताकद होती, तेच गोपीनाथराव आपल्यामध्ये राहिले नाहीत। पण मला या ठिकाणी या गोष्टीचं कौतुक वाटतं की आमची भगिनी पंकजा एकही दिवस घरी बसली नाही। पंकजा ताईंनी नारा दिला आता रडायचं नाही लढायचं, आणि लढण्याकरता रस्त्यावर पंकजा ताई उतरल्या। बंधू भगिनींना आता देखील ज्यावेळी इथल्या कार्यकर्त्यांनी रामभाऊ शिंदेंनी आम्हाला तलवार भेट दिली, रामभाऊ शिंदे म्हणाले तलवार देतोय, या तलवारीनं काँग्रेस राष्ट्रवादीचा निपात करा, ती तलवार दाखवून आम्ही मॅन करायला लागलो, तर पंकजाताईंनी सांगितलं देवेंद्र ही तलवार मॅन करू नका, आता ही तलवार काँग्रेस राष्ट्रवादीचा सफाया झाल्यानंतरच मॅन होईल। लढण्याची संघर्षाची भूमिका या ठिकाणी स्वीकारली आणि मी तुम्हाला विश्वास देतो ज्या प्रकारचा प्रतिसाद या संघर्ष यात्रेला प्रत्येक ठिकाणी मिळाला, ज्या प्रकारे वंचितातून, सामान्यातून, शेतकऱ्यातून संपूर्ण समाज एकजुटीनं या संघर्ष यात्रेच्या पाठीमागे उभा राहिला, मला विश्वास आहे या महाराष्ट्रामधलं परिवर्तन अटळ आहे। येत्या 15 तारखेला आता परिवर्तनाकरता महाराष्ट्रामध्ये मतदान होणार आहे। खरं म्हणजे मला कधी कधी आश्चर्य वाटतं की अलीकडच्या काळामध्ये अजित पवार आणि आर आर पाटील यांना फारच कंठ फुटलाय, पोपटासारखे बोलायला लागले। अरे 15 वर्ष ज्यांनी या महाराष्ट्राची सत्यानाश केला, काय म्हणाले परवा आर आर पाटील, त्या ठिकाणी खूप वल्गना केल्या। मी त्या आर आर पाटलांना या ठिकाणी एवढंच विचारू इच्छितो, अरे इतके वर्ष तुम्ही गृहमंत्री आहात, आज पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या साक्षीनं सांगा, तुम्ही गृहमंत्री असताना माझ्या महाराष्ट्रामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बलात्कार होतात हे तर दुर्दैवी आहेच, पण त्याही पेक्षा दुर्दैवी असं आहे महाराष्ट्रात जे बलात्कार होतात त्यातल्या प्रत्येक 100 बलात्कारातले 84 बलात्कारी मुक्त होतात, त्यांना शिक्षा होत नाही, केवळ 14 बलात्कारांना शिक्षा होते। विचार करा, ज्या माझ्या भगिनीला या अत्याचाराला सामोरं जावं लागतं, त्या अत्याचाराला सामोरं गेल्यानंतर तोच बलात्कारी मोकाट फिरताना ज्यावेळेस तिला दिसत असेल त्यावेळी त्या भगिनीची अवस्था काय होत असेल। भारत माता की, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने 14 दिन तक 3000 किलोमीटर लोगों के बीच में जाकर मुंडे जी का संदेश सुनाया है, ऐसी बहन पंकजा मुंडे जी, श्री राव साहेब दानवे जी, मेरे मित्र और महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता श्रीमान विनोद तावड़े जी, यहां के सांसद दिलीप गांधी जी, श्री राम शिंदे जी, श्री श्याम जाजू जी, श्री विजय राहकर जी, श्री सुजीत सिंह ठाकुर जी, और आज की सभा में
इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं जब यहां आ रहा था तब मैं कोल्हापुर जाकर आया हूं, मां अंबा के आशीर्वाद लेकर आया हूं। आज पंकजा मुंडे की संघर्ष यात्रा समाप्त होती है और आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचार यात्रा, परिवर्तन यात्रा शुरू होने जा रही। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। बहन पंकजा ने 14 दिन तक जो संघर्ष यात्रा निकाली उसका समारोह आज है। समारोह जब तय हुआ तब मालूम नहीं था कि उस वक्त चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और आज से महाराष्ट्र के अंदर विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन की यात्रा शुरू होती है, प्रचार की शुरुआत हो रही है। मित्रों, मैं चुनाव के बाद इस क्षेत्र में पहली बार आ रहा हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आप सबका करबद्ध आभार मानना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया था कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, और पूरे महाराष्ट्र की जनता ने, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रदेश की जनता ने मन खोलकर आशीर्वाद दिया और नरेंद्र भाई की सरकार आज महाराष्ट्र के ही कारण दिल्ली में बनी हुई। नरेंद्र भाई की जब सरकार बनी और मंत्रिमंडल का गठन हुआ, एक के बाद एक मंत्री शपथ लेते गए, जब गोपीनाथ राव खड़े हुए तब मेरे मन में एक सवाल जरूर उठा रहा कि नरेंद्र भाई गोपीनाथ राव को कौन सा विभाग देंगे। मैं भी पार्टी का महासचिव था, दूसरे दिन मैंने मोदी जी को पूछ ही लिया, दो तीन लोगों के लिए पूछा था, इसमें से एक गोपीनाथ राव के लिए पूछा था कि नरेंद्र भाई गोपीनाथ राव को कौन सा विभाग देंगे। उन्होंने कहा, अमित, गोपीनाथ राव को गरीब और गांव का ही विभाग देना चाहिए, एक गरीबों का आदमी है, एक गांव का आदमी है, एक किसान का आदमी है। और बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय भरोसा कर नरेंद्र भाई ने गोपीनाथ राव को दिया था। उस वक्त भी चर्चा थी कि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाला है, गोपीनाथ राव स्वाभाविक रूप से आज होते तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती, तो गोपीनाथ राव क्यों वहां पर जाए। तब भी पार्टी ने तय किया था कि पहले वहां सरकार बनती है तो वहां गोपीनाथ राव मंत्री बनेंगे, बाद में यहां सरकार बनेगी तो यहां मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर हम, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया था, मगर ईश्वर की इच्छा कुछ और थी, नियति कुछ और तय हो चुकी थी। अल्प समय में ही उनका अकस्मात निधन हुआ और पूरे महाराष्ट्र में जो शोक लहर देखी गई, बहुत कम नेताओं को जनता का इतना प्यार मिलता है। मित्रों, बहुत कम नेताओं को मिलता है। मैंने भी सार्वजनिक जीवन में कई नेताओं की अंत्येष्टि देखी है, इनकी श्रद्धांजलि के लिए लोगों को बोलते हुए देखा है, मगर गोपीनाथ राव जब चल बसे, उनकी अंतक्रिया हो रही थी मानो महाराष्ट्र का एक एक गरीब, महाराष्ट्र का एक एक गांव का व्यक्ति अपने दिल से खून के आंसू रो रहा था और गोपीनाथ राव को श्रद्धांजलि दे रहा था। ये उनकी लोगों के साथ जो उनका संधान था, लोगों के लिए उनके मन में जो संवेदना थी, इसी के कारण ये बात खड़ी हो सकती है। मित्रों, उनका एक स्वप्न था कि 15 साल से महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और कांग्रेस की जो सरकार चलती है, उस सरकार को इस बार उखाड़ कर फेंक देना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनाने का स्वप्न था।
हम सबकी जिम्मेदारी है, यहां बैठे हुए सारे लोगों की जिम्मेदारी है, पूरे महाराष्ट्र के गांव के अंदर बसते गरीब के गरीब हर गरीब की हर किसान की जिम्मेदारी है कि स्वप्न को हम लोग पूरा करें। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होगा और 29 तारीख को मतगणना होगी, तब तय हो जाएगा कि 5 साल किसका शासन महाराष्ट्र में रहने वाला है। मैं यहां आने के पहले हेलीकॉप्टर में विनोद जी और देवेंद्र फडणवीस को पूछता था कि भाई क्या हाल चाल क्या है, यहां का क्या है, वहां का क्या है, विदर्भ का क्या है, पश्चिम महाराष्ट्र का क्या है, उत्तर महाराष्ट्र का क्या है। मगर यहां आने के बाद मुझे पूछने की जरूरत नहीं लगती, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। ये लोगों की जो उपस्थिति है आज इस यात्रा की समाप्ति पर, वो देखकर मालूम पड़ता है कि परिवर्तन होने वाला है और ये संघर्ष यात्रा परिवर्तन की शुरुआत करने की यात्रा बनने जा रही है। मित्रों, 15 साल तक महाराष्ट्र ने पंचायत से पार्लियामेंट तक सभी प्रकार की सत्ता एक एनसीपी और कांग्रेस को दी है। 15 साल से, 15 साल पहले महाराष्ट्र क्या था, जब देश आजाद हुआ और महाराष्ट्र की रचना हुई तब देश के अंदर महाराष्ट्र के नेताओं का डंका बजता था। यहां से जब जो नेता जाते थे दिल्ली तो उनका वजन पड़ता था। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र उद्योग में सर्वप्रथम था, महाराष्ट्र कृषि में सर्वप्रथम था, महाराष्ट्र शिक्षा में सर्वप्रथम था, महाराष्ट्र इरिगेशन में सर्वप्रथम था, महाराष्ट्र ग्रामीण विकास में सर्वप्रथम था। हर चीजों के अंदर सर्वप्रथम का अगर कोई स्टेट का नाम आता था तो महाराष्ट्र का आता था। और 15 साल में ये दोनों पक्षों की सरकार ने पंद्रह सालों में कांग्रेस और एनसीपी ने महाराष्ट्र के अंदर ऐसी स्थिति करी है कि 15 सालों में 35,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी। इस 15 सालों में बिजली की दृष्टि से सरप्लस रहने वाला यह राज्य आज 10 से 12 घंटा बिजली की कटौती आपके गांव के अंदर होती है। आसपास में बीजेपी के शासित राज्य गोवा है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, जाकर देखे गांव के अंदर 24 घंटा बिजली मिलती है। ये स्थिति अगर महाराष्ट्र के अंदर भी करनी है तो मित्रों परिवर्तन करना पड़ेगा। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ने वाला है। नरेंद्र भाई ने देश के अंदर 100 दिन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। देश को बहुत समय के बाद बोलने वाला प्रधानमंत्री मिला है जो बोलता भी है। पहले प्रधानमंत्री ऐसे हुआ करते थे जो कभी बोलते नहीं थे। देश को बहुत समय के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो 15 अगस्त को ध्वज वंदन करता है तो सामने बुलेट प्रूफ कांच नहीं होता, आंख से आंख मिलाकर बात करता है। देश को बहुत समय के बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो गरीब की सोचता है, महिलाओं की सोचता है, किसानों की सोचता है। मित्रों, 15 साल के अंदर 5-5 मुख्यमंत्री बदले और 11,88,000 करोड़ के घोटाले करने के बाद एनसीपी और महाराष्ट्र कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार फिर से सत्ता में आने का स्वप्न देख रही है। पंकजा जी ने अपना अनुभव बताया है, हर गांव में, हर जिले में, हर शहर में जो लोगों का प्रतिसाद मिला है वो बताता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर भाजपा की सरकार बनने वाली है। मित्रों,
मैं आज आप सबको कहने आया हूं कि शरद पवार राणी मंडली का जो ये राज्य है उसको एक बार खत्म कर दीजिए। उन्होंने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र को लूटा है। हर राज्य में गठबंधन की सरकार होती है तो विकास की स्पर्धा होती है, यहां पर कांग्रेस और एनसीपी में लूट की स्पर्धा हुई है, लूट की स्पर्धा हुई और इसके कारण आज महाराष्ट्र का गांव गरीब का गरीब रह चुका है। ये लूट करने वाली सरकार को बदलने के लिए आने वाले दिनों में आप सब लोग गांव गांव से आए हैं, ये संदेश लेकर जाइए। बहन पंकजा ने 14 दिन तक गांव का दौरा किया है, आने वाले चुनाव में भी वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के रूप में पूरे महाराष्ट्र में दौरा कर चुनाव के अभियान में शामिल होंगे। मगर मंच ऊपर बैठे हुए हमारे नेता तभी सफल हो सकते हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी का दूत बनकर महाराष्ट्र के गांव गांव में फैल जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए नरेंद्र भाई ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया है। अगर कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है तो ये बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र भी कांग्रेस मुक्त बने और महाराष्ट्र भाजपा युक्त बने। महाराष्ट्र को कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए 15 तारीख को एक बहुत बड़ा अवसर भारत महाराष्ट्र की जनता के पास है। 15 तारीख को मैं अपील करने आया हूं महाराष्ट्र की जनता को कि कमल के निशान पर बटन दबाइएगा, और कमल के निशान पर बटन तो जरूर दबाइएगा मगर इतनी जोर से दबाइएगा कि बटन तो यहां महाराष्ट्र में दबे, झटका उसका इटली तक लगे, उनको मालूम पड़े कि महाराष्ट्र के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। आज मैं इस मंच से पार्टी के अध्यक्ष के नाते बहन पंकजा को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत अभिनंदन देता हूं, क्योंकि जिस तरह से गोपीनाथ राव की अकस्मात मृत्यु हुई उसके बाद में उन्होंने जो हिम्मत बताई, लोगों के बीच में गई और लड़ाई की शुरुआत करी है, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इस तरह के हिम्मत रखने वाले होते हैं, बहुत कम लोग इस तरह की हिम्मत दिखा सकते हैं। पंकजा जी के नेतृत्व में यात्रा के समापन स्थान पर मैं उनको अभिनंदन भी देता हूं और उनको कहता हूं कि आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में जाइए और घर गांव गांव जाकर मुंडे जी का और नरेंद्र मोदी जी का संदेश आप लोगों तक पहुंचाइए और परिवर्तन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। भारत माता की, जरा दो हाथ खड़ा कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।